बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है, उनको मैं बधाई देती हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनको विजय बनाकर भेजेंगे। पुष्पिंदर जी आपकी शान है, मान है और विधानसभा में पहुंचाना है। जैसे पहले पुष्पिंदर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सारी बात आपके सामने रखी, कुछ समय का अभाव है, अभी एक नॉमिनेशन में हमने और जाना है, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यहाँ के हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा वर्ग है, सभी ने इस बार पुष्पिंदर वर्मा जी को अपना आशीर्वाद देकर इस बार विधानसभा पहुंचाना है। सारा इतिहास बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे निर्दलीय कैंडिडेट जो जीते थे उन्होंने क्या किया और क्या हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये खलबली मचा दी। इसके लिए हमें खेद भी है, बड़ा दुख भी है और हम चाहते हैं कि आज आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता, खासकर हिमाचल प्रदेश जो एक देवभूमि के नाम से जाना चाहता है, हम देवी देवताओं को साक्षी मानकर हम ईमानदारी का वोट इस बार पुष्पिंदर वर्मा जी को देंगे। अब ये आपसे भली भांति आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की 15 महीने के काम में, कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, चाहे वो ओपीएस देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 1500 देने की बात थी, चाहे वो आपके जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार ने अपनाया उसकी बात थी, दूध का रेट बढ़ाने की बात थी, जो जो हमने वायदे लोगों से किए उन वायदों को पूरा करके हमने लोगों को समर्पित किया है और आगे भी जो 3.5 साल का समय हमारे पास बाकी बचा है वो समय भी हम हिमाचल प्रदेश की विकास के लिए लगाएंगे और जो हिमाचल की जनता के आशाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे और हर क्षेत्र में जो समस्या है उससे भलीभांति माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित हैं और उसमें आने पर आपके काम भी करेंगे। इनके दरबार आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी जाकर इनके आगे अपनी पुकार रख सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी माताएं बहने आई हैं, आपने समय निकाला, आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने हमारे ये कैंडिडेट जिनका इलेक्शन 10 जुलाई को होना है आपने भारी संख्या में आकर इनको यहाँ से विजय बनाकर भेजना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। सभी हमारे पार्टी के वर्कर यहाँ पर सेवा दल, NSY, यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को मैं बधाई देती हूँ और आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी जाकर अपने अपने क्षेत्र में दिन रात काम करेंगे और हमारे कैंडिडेट को यहाँ से सफल बनाकर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, जितने भी आप पत्रकार बंधु आए हैं उनका भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मैडम जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े मान सम्मान से हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, वो मंच पे आएंगे और वो जो है वो चुनावी टिप्स भी हमें देंगे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।